Now we are going to discuss the concept of total retail experience. So सबसे पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट अगर शेयर करूँ तो इट is वेरी easy. The retail elements जो कि एक्चुअली ऑफर कर रहे हैं each and every element किसी ना किसी तरीके से whenever a customer enters into the store and the customer leaves the store, तमाम टच पॉइंट्स के ऊपर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि हम कस्टमर को ऑफर कर रहा है एक रिटेल स्टोर वो तमाम एलिमेंट्स एक्चुअली creating the total retail experience for that particular customer. तो अगर हम बात करते हैं तमाम elements के हवाले से तो हमारे पास ये elements दो तरह के factors के ऊपर based करते हैं सबसे पहले factors are controllable and second are non-controllable. तो retail store environment के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे factors हैं which are of course non-controllable, uncontrollable इसको हम बाज़ात कहते हैं और of course there are lot of factors which are controllable. आप ये बात नॉर्मली जहन में रखें कि वेन वेन एवर लास्ट टाइम यू हैव विजिट अ पर्टिकुलर स्टोर तो सबसे पहले आप तो ये देखना है कि वाई यू हैव ऑप्टेड दैट पर्टिकुलर स्टोर क्यों आप वहाँ गए उस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से यू हैव ऑप्टेड दैट पर्टिकुलर स्टोर क्या वो वहाँ की कन्वीनियंस ऑफ पार्किंग थी क्या वो वहाँ लोकेशन थी क्या वो उस पर्टिकुलर स्टोर की प्राइसिंग थी उसकी प्रोडक्ट थी उसकी असॉटमेंट थी उसका लेआउट था उसका डिज़ाइन था उसका स्टाफ था उसका एम्बियंस था उसकी क्लीनिंग थी क्या चीज़ ऐसी थी जिसने एक्चुअली आपको इनक्रेज किया कि आप गए और आपने जाके वहाँ से उसको प्रोडक्ट को बाई किया उस रिटेल स्टोर को सेलेक्ट किया सो नॉर्मली रिटेल एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तमाम फैक्टर्स जब एक कस्टमर स्टोर में एंटर होता है

मैं अगर आपको एक्जाम्पल शेयर करता हूँ हमारे पास तो लेट इफ यू एंटर इन टू अ स्टोर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आपको मिला और सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्रेंस के ऊपर आपको बहुत वार्म वेलकम किया टू दिस स्टोर सो यू फील गुड अबाउट इट आपने पॉजिटिवली मार्क किया फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टोर को स्टोर में बहुत अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद थी सिक्योर पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद थी अगेन दैट वॉज वन ऑफ द पॉइंट्स जिसने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया उस पर्टिकुलर स्टोर के हवाले से फिर आप स्टोर की एंट्रेंस की तरफ आए कि जहाँ पे स्टाफ मौजूद था और आपको वार्म वेलकम किया स्टोर के अंदर एंटर होने के लिए और उसके फ़ौर बाद जब आप प्रोडक्ट्स के पास गए जब आपने स्टोर के इन्वायरमेंट को देखा जब आपने स्टोर में लाइटिंग को देखा म्यूजिक को देखा इंटरनेशनली ये सारे पॉइंट्स जब हम रिटेल के परस्पेक्टिव में बात करते हैं तो कस्टमर वाकई अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये नोट करता है रिकगनाइज़ करता है कि आई वेंट इन टू द स्टोर और वहाँ पर देर वॉज़ नो म्यूज़िक और या देर वॉज नो लाइफ और देर वॉज लाइटिंग का वो बहुत ज़्यादा लेट uh, से कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था को बहुत अच्छा लाइटिंग का थीम नहीं था तो अगेन अगेन ये सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से लेआउट ऑफ द स्टोर इसी तरीके से जब आप स्टाफ से मिले किसी स्टोर में गए आपने किसी स्टाफ से यू हैड मेड अ डिस्कशन उससे कुछ पूछा क्या स्टाफ नॉलेजेबल था क्या स्टाफ वेल well ड्रेस था वर दे हेल्पिंग द कस्टमर्स उस हेल्पिंग बिहेवियर के साथ थे एटीट्यूड के साथ थे या वो एवॉइड कर रहे थे कस्टमर को ये सारी चीज़ें आर पार्ट ऑफ टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस फिर उसके बाद देर वर सम वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स लेट्स ए प्रमोशंस तो क्या वो प्रमोशंस आपको एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रही हैं, एक अच्छा रिटेल एक्सपीरियंस दे रही ऑफ़ ऑफकोर्स येस यू विल फील गुड अबाउट इट तो इस केस के अंदर आपने नोट किया कि यस ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया उस पर्टिकुलर स्टोर के हवाले से स्टोर की क्लीनिंग वॉज एक्सलेंट स्टोर के अंदर बैठने के लिए भी जगह थी स्टोर में एक बहुत अच्छी मॉस्क भी थी जहाँ पे नमाज के लिए भी जगह थी एक लॉकर रूम की फैसिलिटी भी थी स्टोर के अंदर बेबी चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी थी सो ऑल सच पॉइंट्स क्लीन वॉशरूम्स थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक कस्टमर नोट करता है और अपने रिटेल एक्सपीरियंस के अंदर काउंट करता है इसी तीय मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंट्रेंस जब तक कस्टमर कैशियर के पास अपने प्रोडक्ट को बिल करवा के फारिग हो चुका तब तक के सारे पॉइंट्स को वो कंसिडर करता है कि मेरा ये एक रिटेल एक्सपीरियंस है तो वो रिटेल एक्सपीरियंस या तो अच्छा कंसिडर होगा या वो रिटेल एक्सपीरियंस बुरा कंसिडर होगा ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे आर फॉर जिस तरह मैंने बताया पहले कि वो अनकंट्रोलेबल होंगे जिस तरीके से अगर आज बहुत ज़्यादा रश है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा स्टोर के अंदर रश है तो पार्किंग में जगह नहीं है तो इस काइंड ऑफ अनकंट्रोलेबल जो कि नॉर्मल डेज में नॉर्मल सीनैरियोज़ में ऐसा नहीं होता सो बट देर विल बी सम कंट्रोलेबल फैक्टर्स अगर स्टोर में क्लीनिंग नहीं है तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड फॉर श्योर अगर स्टोर में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है एयर कंडीशनिंग लट से काम नहीं कर रही है तो दैट इज़ कंट्रोलेबल फैक्टर तो इस तरह की चीज़ों के अंदर द स्टोर रियली नीड टू थिंक ऑफ ऑल दी टच पॉइंट्स जहाँ पर कस्टमर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है इसी तरीके से अगर मैं अगर आप लास्ट में देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एक्चुअली ये तो टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस है तो अक्सर लोग टोटल रिटेल एक्सपीरियंस को एक्चुअली कस्टमर के परस्पेक्टिव में टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम भी कह रहे होते हैं